हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी चाट की रेसिपी। तो आइए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। अब इन सब चीज़ों को हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और हाफ टी स्पून सॉल्ट और इसका ढक्कन लगाकर हम चटनी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारी ग्रीन चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखा है और यहाँ पर मैंने 50 ग्राम इमली को एक कप पानी में भिगोकर उसका पल्प बना लिया था। अब हम ऐड करेंगे 7 से 8 चम्मच चीनी, 1/3 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर। ऐड करते हुए इसे हम मिक्स करेंगे और इसे करीबन 5 मिनट तक कुक करेंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद हमारी चटनी अब रेडी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब हम बनाएंगे पापड़ी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 मीडियम बाउल मैदा, 1/2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच नमक। अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो ये देखिए, अब डो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे मैंने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और एक पार्ट्स को थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे राउंड शेप बना लेना है। और थोड़ा सा सूखा आटा डालते हुए इसे प्रेस करते हुए हाथ की सहायता से बस इसे इतना फैला लेना है। अब बेलन की सहायता से इसे बेलते हुए हमें बिग साइज की रोटी बना लेनी है और इसे हमें पतला ही बेलना है जिससे हमारी जो पापड़ी है वो फूले ना। तो ये देखिए, बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फॉर्क की सहायता से इसे प्रेस करते हुए इसमें होल बना देंगे। ऐसे होल्स बना देती हूँ जिससे जो है हमारी पापड़ी फूलेगी नहीं और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो पापड़ी बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ये ढक्कन यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई कटर है तो आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमें इसी साइज की पापड़ी बनानी है। तो ये देखिए, हमारी सभी पापड़ी बनकर अब रेडी हो चुकी है। तो ये मैं यहाँ से साइड का आटा निकाल देती हूँ। तो अब इन सारी पापड़ी को मैं एक प्लेट में यहाँ पे रख देती हूँ। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखा है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके पापड़ी डालते जाएंगे। ये देखिए, हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए। तो ये देखिए, हमारी पापड़ी का कलर चेंज हो चुका है, ये गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी की सारी पापड़ियाँ भी तल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी बाकी की सारी पापड़ियाँ तलकर रेडी कर ली हैं। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग।
तो ये देखिए ये सारी पापड़ियाँ यहाँ पर मैंने तल के रख ली हैं, और मैं आपको एक पापड़ी तोड़ के दिखाती हूँ। जो देखिए ये पापड़ी कितनी क्रिस्पी बनी है। तो प्लेट में हम एक एक पापड़ी करके इस तरह से रखते जाएंगे, ये देखिए। अब इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, और ये बारीक कटा हुआ आलू है जिसे मैंने ही पहले ही उबाल कर रखा हुआ था। यहाँ पर 2 टीस्पून हरी चटनी, 2 टीस्पून तो इसे भी हम यहाँ पर 2 टीस्पून ऐड करेंगे। और ये दही है, यहाँ पर 2-3 टीस्पून दही ऐड करेंगे। ये बारीक सेव या आलू भुजिया है, इसे भी हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे। चाट मसाला है, बस चुटकी से हमें इस तरह से इसके ऊपर चाट मसाला डालना है। ये रेड चिली पाउडर है, और लास्ट में हम धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर दिया। अब ये हमारी पापड़ी चाट बनकर रेडी है। और रेसिपी को लाइक करना ना भूलें।